मास की पूर्णिमा पर कुंभ जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने कुंभ का अवतार लिया था तथा कछुए यानी समुद्र मंथन में सहायता की थी। कुंभ अवतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में द्वितीय अवतार है और 24 अवतारों में 11वां अवतार माना जाता है। एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए थे। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र एरावत हाथी पर आरूढ़ हो कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनित भाव से देवराज को एक परिजात पुष्पों की माला भेंट की। देवराज ने माला ग्रहण तो कर ली किंतु उन्हें स्वयं ना पहनकर एरावत के मस्तक पर डाल दी और चलने लगे। हाथी ने सुगंधित तथा कभी मलान ना होने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर से खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, रे मूढ़, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिए जाओ, आज से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और ये तुम्हारा वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। श्राप के प्रभाव से इंद्र सभी देवगण और तीनों लोगों से श्रीहीन हो गए। ये दशा देखकर इंद्राणी देवता अत्यंत दुखी हो गईं। तब असहाय निरुपाय तथा दुखी देवगण ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर बैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के श्राप से श्रीहीन भी हो गए हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं, इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। स्तुति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो जिससे लक्ष्मी तथा अमृत की प्राप्ति होगी, उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। तब देते तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। प्रसन्नचित इंद्रारी देवों ने असुर राज बलि तथा उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मंथानी के लिए मंदारचल का सहारा लिया और वासु की नाक की रस्सी बनाकर सिर की और देवताओं ने तथा पूछ की और देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ किया, किंतु सागर में मंदरगिरी डूबता हुआ रसातल में ढसने लगा। ये देख कर अचिंत्य शक्ति सम्पन्न लीलावतारी भगवान श्री हरि ने कुर्म रूप धारण कर लिया, मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान कुंभ की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।